साथियों आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि लाइफ के बारे में। जैसा आपको पता है 2021 समाप्त हो चुका है और 2022 शुरू हो चुका है। आज है 1 जनवरी, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइफ में क्या सोचें। कुछ लोग कहेंगे कि देखेंगे हम क्या करें, कुछ लोग जैसे हर कोई व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में कहेगा कि दो टारगेट फिक्स करेगा कि हम ये काम करेंगे, इस वर्ष हम इतना अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। जैसे जीडीपी का टारगेट रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे हर व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, कोई भी डिपार्टमेंट हो वो अपने लाइफ में एक अचीवमेंट रखता है, ये टारगेट रखता है एक वर्ष का, इतना हम इस वर्ष टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है साथियों। तो उसके लिए मैं कुछ दोस्तों शायरी अपनी डायरी है मेरी, उसमें से कुछ आपको लाइफ की मोटिवेशन लाइंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और हैप्पी न्यू ईयर टू एंड योर फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर टू एंड योर फैमिली। योर फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड योर करियर इज आल्सो। सो गाइस डोंट मिस वीडियो एंड सी फुल वीडियो। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक अपनी डायरी से शायरी सुनाना चाहूंगा, यूं की मोटिवेशन पॉइंट्स बताना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों मंजिल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है मेरा चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें भी हर लाइफ में, हर व्यक्ति की लाइफ में एक अचीवमेंट प्राप्त करना होता है। तो हम है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारा सबका टारगेट क्या होता है, एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जाए, मतलब जॉब मिली मतलब ऐसा लगता है सिक्योर लाइफ हो जाता है, ठीक है साथियों। तभी मैं कह रहा हूं मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है साथियों। और अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि लाइफ में क्या इग्नोर करें कि सक्सेस मिले, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो, एजुकेशन से हो, बिजनेस से हो, करियर से हो, कमेडी से हो, एनी डिपार्टमेंट आपका हो, तो लाइफ में क्या इग्नोर करें कि लाइफ में सक्सेस मिले साथियों। तो दोस्तों हर चीज का टारगेट होता है किसी का। आप जैसे 2022 शुरू हुआ है तो छात्रों का टारगेट मेन फोकस यही होगा इस साल मुझे एक एग्जाम को बीट क्वालिफाई ही कर लेना है। दोस्तों छात्र तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले, बट क्या होता है वैकेंसी निकलती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, जैसे आपको अभी पता है यूपीटेट का लीक हुआ, सीटेट का कैंसिल हुआ और यूपीएसआई में भी धांधली चल रही है, तो दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों वैसे छात्र ज्यादा से ज्यादा अगर हर साल वैकेंसी निकले तो हर साल एक नया अचीवमेंट, नए करियर की लाइफ। अब जो स्टूडेंट में बात करूं मैं अपने कुछ साथियों की, तो 2016 और 17 से वो तैयारी कर रहे, अभी भी कोई वैकेंसी ही नहीं पूरी हुई, केवल तैयारी ही किए जा रहे हैं जिंदगी में। तो दोस्तों संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष जिस करते हैं एक दिन वही इतिहास रचते हैं, संघर्ष करने वाले ही इतिहास रचते हैं, ठीक है साथियों। और एक सारी सुनाता हूं मैं आपको, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो दोस्तों तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की, ठीक है साथियों। अब लोग अब एक बात और सुनाऊं, अब जैसे कोई 2017 से तैयारी कर रहा है, 2015 से तैयारी कर रहा है, अभी तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो ताने गांव में, और अगर उसका पड़ोसी है कोई वो, या कोई और व्यक्ति है जो उसका रिलेशन में रहता है, वो अभी बाद में तैयारी किया, उसका बाई चांस लट हो गया, मेहनत हो गया, एनीथिंग, तो उसको जॉब मिल गई तो उसको ताने मिलते हैं। तो उसके लिए भी एक शायरी है मेरी तरफ से, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं,
क्या लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मोड़ तो होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यही आकर फिसलते क्यों हैं? तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको अपने करियर पे फोकस कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहना है लाइफ में, आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, अब एक दो दोस्तों और शायरियां हैं वो सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो ऑफ करूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो ये दोस्तों मोटिवेशन की है तो शेयर जरूर करना ग्रुप में। दोस्तों बेहतर दिनों के लिए कहते हैं कि बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तो स्टूडेंट भी ऐसे लाइफ में जो 17 से तैयारी कर रहे हैं और आज 22 शुरू हो गया है, तो वो बेहतर दिनों के लिए, क्या बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है साथियों, तो उनको कंटिन्यू अपने संघर्ष को जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापिस आती है और ना ही लोग दोस्तों। और लाइफ में दोस्तों करियर भी जरूरी होता है, और एक होता है रिस्पेक्ट, अपने को बड़े से अपने से छोटे को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो जिंदगी वापस आती है ना लोग ही जिंदगी में दोबारा वापस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इंसान की इंसानियत की मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरी डायरी से अपने ही जो कुछ मैं बता रहा हूँ डायरी में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बताऊंगा। इंसान की समझ की बात क्या करें, अब जैसे जॉब तैयारी कर रहे हो तुम तो सोचते ये बहुत पढ़ीस बने जा रहे हैं। मैं 2017 से 2022 वाले उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो इंसान की समझ की दोस्तों आप उसको समझ की इंसान की समझ के बारे में मत समझो, क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी आपसे कहना चाहता हूँ, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो खुश हो जाता है। क्या इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो खुश हो जाता है, जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कितनी इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तो दोस्तों जानवर शेर भी तो होता है, बस कहने का फर्क और इंसान की समझ ऐसे ही परख आती है। तो साथियों मेरे कहने का मतलब है आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना चाहिए अपने एग्जाम के लिए, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। अब एक और बात में कहानी सुनाऊंगा जो आपको इग्नोर करना है लाइफ में सक्सेस के लिए। साथियों जीवन में सफल होना चाहते तो इन पांच बातों को दिमाग से निकाल दो। कौन सी पांच बातें हो सकती हैं? पहली बात है लोग क्या कहेंगे। क्या लोग क्या कहेंगे? दोस्तों लोगों के बारे में सोचने का आपका टाइम नहीं, आपको अपने करियर पे फोकस करना है। जो भी जिसका करियर हो, ये हम नहीं कहते एजुकेशन हो, बिजनेस हो, या कोई एरी अदर डिपार्टमेंट हो। फिर दूसरा पॉइंट, मुझसे नहीं होगा। क्या मुझसे नहीं होगा? ये दोस्तों सभी जो पांच पॉइंट्स हैं ये सभी के लिए हैं। ठीक है, ये लोग क्या कहेंगे पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है मुझसे नहीं होगा, हर काम संभव है साथियों। फिर तीसरा पॉइंट है मेरा मूड नहीं है। क्या मेरा मूड नहीं है? ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मेरी किस्मत खराब है। क्या कुछ कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, एक अटेम्प्ट किया, दो अटेम्प्ट किया, अब उनका एग्जाम नहीं निकला तो कहेंगे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा लक ही खराब है। पांचवा पॉइंट है मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मेरे पास टाइम नहीं है? तो दोस्तों टाइम की बात मत करो ना किस्मत की बात करो, क्यों? क्योंकि इन सभी को दोष देना बेकार है। क्यों बेकार है? अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ी होगी या फिर अब्राहम लिंकन की स्टोरी पढ़ी होगी तो आप जान जाएंगे कि टाइम मेहनत के आगे सब कुछ फैल है। क्या मेहनत के आगे सब कुछ फैल हो जाता है? टाइम मूड ये सब बेकार की बातें हैं, या लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को इग्नोर करना है साथियों। और हमें 2022 में अपने अच्छे करियर, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली की हैप्पी लाइफ के लिए आपको अपने टारगेट पे ही ध्यान रखना है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने चैनल पे मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसे लग रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं न्यू ट्रिक के साथ और अपने चैनल पे नई वीडियो के साथ।